नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज मैं आपको चैत्र नवरात्रों के विषय में बताऊंगा। इन्हें हम बसंत नवरात्र भी कहते हैं और इस वर्ष 9 अप्रैल मंगलवार को शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रों के प्रथम दिन देवी दुर्गा की अखंड ज्योति जलाई जाती है, कलश की स्थापना की जाती है और साख लगाई जाती है, जिसका शुभ मुहूर्त पूरे दिन है, परंतु प्रातःकाल ही सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, ऐसे तो पूरा दिन शुभ है। नवरात्रों के दिनों में हमें अखंड जो ज्योति जलाई जाती है उसका पूरा ध्यान रखना है, और देसी घी की ना जला सकें तो मीठे तेल की भी अखंड ज्योति जला सकते हैं आप। और नवरात्रों में अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, डॉक्टरों की सलाह से ही आप जो है व्रत करें, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप व्रत कर सकते हैं। और कई लोगों को बीपी शुगर आदि की जो है रोग रहता है तो वो डॉक्टरों की सलाह लेकर ही व्रत करें। नवरात्रों के दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, चमड़े की वस्तु नहीं पहननी चाहिए, नाखून बाल आदि नहीं काटने चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, सुबह शाम, स्वयं नहीं कर सकते पंडित जी से अवश्य करवाएं। और दुर्गा अष्टमी का पर्व 16 अप्रैल को मनाया जाएगा और दुर्गा नवमी और रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। नवरात्रों के दिनों में कोई भी पाप कर्म जो है ऐसे भी नहीं करना चाहिए, और अपने घर के आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और देवी दुर्गा की आराधना करें, सभी का कल्याण हो। और 9 अप्रैल प्रातःकाल जो है आप ये अखंड ज्योति जला सकते हैं। धन्यवाद।